नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल आयुर्वेदिक उपचार में। आइए आज के इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कई बार क्या होता है, नाभि उतर जाती है। अक्सर आपने सुना होगा यानी कि नाभि अपने जगह से हिल जाती है। हालांकि मॉडर्न साइंस में, मेडिकल साइंस में बात करें तो कुछ ऐसी चीज़ को नहीं माना जाता है, बट आप अक्सर देखते हैं कि कई बार पेट खराब हो जाता है, बार बार लैट्रिन होने लगता है या पेट बहुत टाइट लगता है तो बोलते हैं नाभि उतर गई है। तो ऐसे में बहुत सिंपल सा तरीका हम आपको बता रहे हैं, बस एक मिनट दो मिनट का ये उपाय है, बिना पैसा लगे हुए बस आपको करना है। इससे आपके नाभि उतरने की समस्या यानी कि पेट टाइट हो गया है तो वो बिल्कुल ढीला हो जाएगा। इसके अलावा आपकी जो नसें हैं वो भी ढीली हो जाएंगी। क्या करना है इसके लिए, घुटने के नीचे ये जो पिंडलियां हैं बस इनकी मालिश कीजिए। आप 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मालिश कीजिए, आप चाहें तो हर रोज सुबह सुबह किया कीजिए। इससे आपका पेट बिल्कुल ठीक रहेगा, आप देखेंगे कि आपको तुरंत लाभ मिलेगा, इंस्टेंटली लाभ मिलेगा। आप तुरंत आप मालिश करके देखिए, अपने पैरों की पिंडलियों पर मालिश कीजिए, आप देखेंगे कि आपका पेट बिल्कुल हल्का होता जाएगा, जो टाइट है वो डाउन होता जाएगा, हल्का लूज होता जाएगा। ये बहुत अच्छा तरीका है, अगर कभी भी पेट में नाभि उतरने की समस्या है तो इसको आजमा करके देखिए। ये आज की वीडियो रही, ऐसी ही नई वीडियो हम इस चैनल के माध्यम से लेकर के आते रहते हैं। ऐसी नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल बिता देते हैं आज की इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।